Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Class 4, subject social studies, third lecture, date Tuesday, date 11 May 2021. Today the topic is our country. Firstly, we will discuss what is country. Country क्या है? जिस जगह हम रहते हैं वो जगह हमारी क्या कहलाती है? Country कहलाती है. जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान क्या है? हमारी country है. Our country is beautiful. हमारा जो मुल्क है वो बहुत खूबसूरत है. It has a variety of natural features. Natural means कुदरती, feature means खसूसियात. यहाँ बहुत सी कुदरती खसूसियात पाई जाती हैं. From seven of the world highest mountain in the north. शुमाल में जो है वो दुनिया के सात बड़े पहाड़ों पहाड़ पाए जाते हैं. टू लॉन्ग स्ट्रेचिज ऑफ ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन क्या होता है? सतह समुंदर के पास वाला हिस्सा जो सैंडी एरिया भी कहलाता है वो उसको क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन. एंड बीचेस, और बीचेस हमारे क्या हैं? साहिल. इन द साउथ, जनूब में जो है वो हमारे साहिल और सतह समुंदर का वाला हिस्सा जिसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं वो भी खींचे गए हैं. इन द नॉर्थ, शुमाल में देर आर हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ हैं विद स्नोई पीक्स, जिसकी जो चोटी है वो बर्फ़ से ढकी हुई है. ग्लेशियर्स, ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के पहाड़. फ्रेश माउंटेन स्ट्रीम्स और ताज़ा पहाड़ हैं. बबलिंग वाटरफॉल्स, वाटरफॉल क्या होता है कि आबशार, पानी की आबशार जो पहाड़ों के दरमियान से पानी बह रहा होता है उसको क्या कहते हैं? वाटरफॉल. एंड क्लियर और वाजिया आइसी लेक्स, जो बर्फ़ की झीलें हैं. देर आर डीप वैलीज एंड स्टीप, वहाँ पे गहरी वादियाँ और खाइयाँ हैं. रॉकी रिजिस, चट्टाने हैं. इट इज़ वेरी कोल्ड देयर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है. लोकेशंस एंड नेबर्स, पाकिस्तान कहाँ वाक़ है और कौन से हमसाया ममालिक हैं पाकिस्तान के. पाकिस्तान इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. कॉन्टिनेंट मीन बर आज़म. पाकिस्तान जनूब के बर आज़म एशिया के जनूब में वाक़ है. इट हैज़ एन एरिया ऑफ 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर. पाकिस्तान कितने रकबे पर वाक़ है? 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर वाक़ है. वी शेयर बॉर्डर्स, हम क्या करते हैं कि हमारे बॉर्डर क्या होता है कि वो लाइन जो दो मुल्कों को, ममालिक को एक दूसरे से सेपरेट करती है उसको बॉर्डर कहते हैं. हम किसके किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? वी शेयर बॉर्डर्स विद ईरान इन द वेस्ट. हमारे जो मगरब में है वो कौन सा हमसाया ममालिक वाक़ है? ईरान. अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. अफगानिस्तान कहाँ वाक़ है? शमाल मगरब में वाक़ है. चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट. चाइना वाक़ है शमाल मशरक में. एंड इंडिया इन द ईस्ट, और इंडिया मशरक की तरफ वाक़ है. टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज द अरेबियन सी. पाकिस्तान के जनूब में अरेबियन सी वाक़ है. अरेबियन सी हमारा किधर है? कराची में जो है वह हमारा अरेबियन सी है. फ्राम द साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ द कंट्री टू द नॉर्दर्न वेस्टर्न टिप. हमारे मुल्क के जो साउथ वेस्टर्न की चोटी से नॉर्थ वेस्टर्न की जो चोटी है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? पाकिस्तान कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अवर 1800 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 1800 किलोमीटर्स. लुक एट अ मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू विल सी डैट अवर कंट्रीज बिगर देन सम कंट्रीज बट मच स्मॉलर देन मैनी कंट्रीज. इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो हमारा मुल्क है वो कुछ कंट्रीज से बड़ा है और कुछ कंट्रीज से छोटा है. द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अवर 207 मिलियन. पाकिस्तान की जो आबादी है, पॉपुलेशन मीन आबादी, वो कितनी है? 207 मिलियन है. पॉपुलेशन इज डिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज. पाकिस्तान की जो आबादी है वो किस पर ममनू करती है? जुबान पर, हैबिट्स आदतों पर, कस्टम्स रस्म व रिवाज पर एंड स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग, या फिर पहनने के तरीकों पर, जो कपड़े हम पहनने हैं वो उसके तरीकों पर. वी मे बी डिफरेंट फ्राम ईच अदर, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट वी आल बिलोंग टू वन कंट्री, लेकिन हमारा तल्लुक जो है वो एक ही मुल्क से है. वी आर आल पाकिस्तानीज, हम तमाम जो है वो पाकिस्तानी कहलाते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ ग्रोन रैपिडली, जो पाकिस्तान की आबादी है वो तेज़ी से बढ़ रही है. दिस इज़
बिकॉज पीपल हैव लार्ज फैमिलीज, इसकी वजह क्या है कि लोगों की जो फैमिलीज हैं वो बड़ी हैं, एंड बिकॉज मोर पीपल लिव टुगेदर, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। एवरी ईयर देर आर आल्सो अ नंबर ऑफ पीपल हु मूव, हर साल जो है लोग क्या करते हैं, मूव क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, और माइग्रेट, जिसको हम माइग्रेट भी कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से टू अनदर कंट्री, दूसरे मुल्क, और मूव टू पाकिस्तान फ्रॉम समवेयर एल्स, या फिर पाकिस्तान आते हैं किसी और कंट्री से, किसी और मुल्क से। द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉलो डिफरेंट फेथ्स, फेथ्स मीन ईमान, पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं जो वो मुख्तलिफ ईमान पर यकीन रखते हैं, बट द मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज मुस्लिम, लेकिन जो पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुस्लिम है, मेजोरिटी मीन ज़्यादा लोग। दिस इज़ रिप्रेजेंट बाय द ग्रीन पोर्शन ऑफ द पाकिस्तानी फ्लैग, जो ग्रीन पोर्शन है पाकिस्तानी फ्लैग का, वो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो ज़्यादा लोग वहाँ पर मुसलमान रहते हैं। द माइनॉरिटीज़ इंक्लूड क्रिश्चन, जो माइनॉरिटीज़ मीन कम लोग जो हैं वो कौन से हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज, पारसी एंड सिख, एंड दे आर रिप्रेजेंट बाय द वाइट पोर्शन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, और उनको हमारा फ्लैग जो का वाइट पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है। द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो कौन सी है, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान मुल्क के वस्त में, देर आर वाइड प्लेन्स विद रिच फर्टाइल सोइल्स, पाकिस्तान के जो वस्त में दरमियान में जो है वो चौड़ा मैदान है, जो कि हमारी जरखेज ज़मीन को भरपूर करता है, वाटर्ड बाय द रिवर इंडस, जिसको रिवर इंडस अपने पानी से सराब करते हैं, इन एंड इट्स ट्रिब्यूटाइज, और इसकी मावने जो है वो पानी से उसको सराब करते हैं। द रिवर इंडस, हम जो रिवर इंडस है विच स्टार्ट्स इन द हिमालय, जो कि हिमालय से शुरू होता है, इज ज्वाइन एट मिठनकोन, और मिठनकोट के साथ जा मिलता है बाय द झेलम, झेलम में जो है चिनाब, रावी एंड सतलुज, विच फ्लो एज वन फ्रॉम पंचनद इन द सोदर्न पंजाब। ये वो दरिया हैं जो रिवर इंडस से बहते हैं, जिसको हम पंजनद भी कहते हैं। दिस इज़ द एग्रीकल्चर हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के जो है ज़रात का दिल भी कहलाया जाता है। क्रॉप्स ग्रो इन द फील्ड, यहाँ से फसलें उगाई जाती हैं, एंड मैनी पीपल वर्क्स ऑन द फार्म्स, और बहुत से लोग जो हैं वो अपने खेतों में काम करते हैं। इन द वेस्ट, वेस्ट में देर आर माउंटेन्स, पहाड़ हैं, बट दीज आर नॉट एज हाई एज दोज इन द नॉर्थ, ये इतने बड़े नहीं हैं जितने के नॉर्थ में हैं। देर इज़ आल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट लैंड, यहाँ पर जो है वो सहरा भी हैं, एज देर इज़ इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट में वाक़ है। देर आर नो लार्ज रिवर, यहाँ पे बड़े दरिया नहीं हैं, और लेक्स और झीलें इन द वेस्ट, वेस्ट में, बट इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, लेकिन यहाँ पर एक लंबी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन क्या होता है, जो सतह समुंदर के पास वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन, अलोंग द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी के पास वाक़ है। इन द साउथ, साउथ में देर आर फॉरेस्ट, जंगल हैं, अलोंग द वेस्ट, वेस्टर्न बैंक्स, जो कि वेस्टर्न की तरफ फैला हुआ है, ऑफ द रिवर इंडस, रिवर इंडस के, वाइल जबकि देर इज़ अ फार्मिंग ऑन द प्लेन अलोंग द रिवर, यहाँ पर जो है वो हमवार सतह भी है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, नेम द कंट्रीज डैट शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, वो कौन से ममालिक है जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। आंसर, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अपना क्या, कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया। विच सी लाइज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान, कौन सा समुंदर है जो पाकिस्तान के साउथ में वाक़ है। आंसर, द अरेबियन सी लाइज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान, अरेबियन सी है जो पाकिस्तान के साउथ में वाक़ है। तमाम स्टूडेंट्स सैटरडे को अपना होमवर्क स्कूल सबमिट करवाएं और अपने सब्जेक्ट से जो रेलेवेंट वर्कशीट लेके जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।